आज 26वां दिन हो गया है, बाल श्रमिक शिक्षक गण है इन लोग का। और आज मैडम आपका रणनीति आगे क्या है? हमारी रणनीति आगे ये है, सरकार हमारी जो संविलियन की मांग है उसको पूरा कर दे, और अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आगे उग्र रूप धारण करेंगे। और क्या करना है अभी हमने डिसाइड भी किया है और नहीं भी किया है, हम प्रत्यक्ष में करके दिखाएंगे सरकार को क्या करना है हमको। मैडम आपने मुंडन क्यों करा रखे हैं? मैडम देखिए, हमारी मांग 1996 से हमारी बाल श्रमिक विशेष शाला चल रही है, ठीक है। उसके बाद 2014 में एक आदेश पारित हुआ और बंद कर दिया गया, तो हम लोग 1305 कर्मचारी लगभग बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पे आ गए हैं। बच्चों को तो मुख्य धारा से जोड़ दिया गया और हम लोग को सिर्फ आश्वासन लेटर दिया गया कि आप लोगों को 4 विभागों में सविलियन कर दिया जाएगा, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग और पंचायत विभाग में करके। हम लोग को लगभग हर 4 साल से सिर्फ झूठी आश्वासन सरकार की तरफ से मिल रही है। अभी शेख जी बोलते हैं कि आपका काम 80% हो गया है, 90% हो गया है। मेरी माता जी अभी अस्वस्थ है, वो स्वस्थ होके आएंगे और मैं आप लोगों का सविलियन लेटर पास कर दूंगा। हम कितना आश्वासन सहे मैडम, आज छत्तीसगढ़ राजधानी में रमन सरकार जी 15 साल से एक छत्र राज्य कर रहे हैं। बेटी बचाओ, महिलाओं का सशक्तिकरण बोलते हैं, क्या महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ मैडम आप बताइए? 90% महिलाएं इस पे काम कर रही हैं। ऐसे गरीब बच्चों को जिन्होंने आज ऐसे शिक्षा विभाग है जहाँ 28, 29, 50 हजार सैलरी पे उस बच्चों का कोई शिक्षा नहीं वो प्रदान करते। हमने किस मुसीबतों से उस बच्चों को नैतिक शिक्षा से लेके आगे बढ़ने की शिक्षा दी, तालीम दी? क्या यही है शासन की रवैया हमारे प्रति? ऐसा होना चाहिए? बताइए, आप ही बताइए मैडम। हम आक्रोश में एक कदम नहीं उठाते, क्या करते बताइए? एक नारी को शोभा देता हमारी संस्कृति में शोभा देती क्या कि बाल का मुंडन कराए? आज रमन सरकार जी को कुछ भी नहीं लग रहा है, वो उसकी बेटी या उसकी बहन या उसकी बीवी या उसकी बहू होती तो क्या करते हो? वो आते इस देश के मुखिया है, उसको आना पड़ेगा, हमको संविलियन देना पड़ेगा उसको। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं मैडम, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। आज ये महिलाएं की बद्दुआ ना निकले उसको, बद्दुआ ले हमारा संविलियन कर दे। हम रमन सरकार से यही उम्मीद और आशा रखते हैं कि वो हमारी मांगे कंप्लीट कर दे। हमको शिक्षा विभाग है, महिला बाल विकास है, पंचायत विभाग है, आदिवासी कल्याण विभाग, 4 विभाग का उन्होंने लेटर दिया है, वही हमको संविलियन कर दे योग्यता के आधार पे। हम लोग यही चाहते हैं मैडम उससे। तो सरकार का तो अभी कुछ भी कितना परसेंट आपको उम्मीद है सरकार से? मेरे को पूर्ण विश्वास और आशा है कि सरकार हमारे मांगे पूरा करेगी, क्योंकि तो शिक्षा कर्मी का आज कितना वोट बैंकिंग के थ्रू उनका संविलियन हो गया। क्या 1305 कर्मचारियों का उन्होंने संविलियन नहीं कर सकते मैडम? उसको करना पड़ेगा, सरकार आगे आएगी और करेगी। मेरे को पूर्ण विश्वास है, मेरी बहनों को विश्वास है कि सरकार करेगी और उनको करना पड़ेगा। बेटी बचाओ बोलते हैं, नारी सशक्तिकरण बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है तो हमारा भी विकास रमन सरकार जी करेंगे ही। आपकी मांग को अगर सरकार ने पूरी नहीं की तो फिर आप क्या करेंगे? उसको तो करना ही पड़ेगा मैडम, नहीं तो हम तो उग्र रूप धारण कर लिए हैं। एक नारी दुर्गा होती है, एक नारी लक्ष्मी होती है, एक नारी साहसी होती है। जब उग्र रूप धर के काली का अवतरण लेती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। सर महादेव जी नहीं रोक पाए तो फिर रमन सरकार क्या रोक पाएगा? तो आगे और क्या करना चाहती है? आगे क्या करना चाहते हैं? तो मैं यही चाहूंगी कि वो हमारा संविलियन कर दे मैडम, हम बस यही चाहते हैं। आगे भी हमको जो भी विभाग में वो संविलियन करे, हम लोग अपने योग्यता के आधार पे जाना चाहते हैं वहाँ पर। आगे सीएम के घर आओ करेंगे, विधानसभा करेंगे, जो हमको आश्वासन दिया उसको चूड़ी पहनाएंगे, हर प्रकार भीख मांगेंगे मैडम रोज में। 4-4 साल तक के हमारे बच्चे भूखे हैं, शिक्षा से वंचित है, हम हर सुविधा से वंचित है। आज रमन सरकार मुखिया, आज देश के जितने भी मंत्री हैं, वो तो आलीशान सुविधाएं में
जी रहे हैं, हम तो सुविधाएं भी नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे मैडम जी। आज यह नौबत कर दिया हमारा भीख मांगने का नौबत कर दिया। क्या शोभा देती है रमन सरकार को ऐसा करना? बिल्कुल शोभा नहीं देती है रमन सरकार को ऐसा करना। हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे संविधान, हम उसे भीख नहीं मांग रहे हैं। मजबूरी तो मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपनी संविधान का भीख मांग रहे हैं उससे, ऐसा भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार का भीख मांग रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के बाल श्रमिक शिक्षक हैं। ये छत्तीसगढ़ में हमारा पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिलाएं जो है ना अपने बाल को अपने श्रृंगार को छोड़ के अपने मुंडन करा रही हैं। हमारे रमन सरकार के सामने उनकी मांगे पूरी कर रही है। आज इनका 26वां दिन हो गया। मैं पॉजिटिव इंडिया से चित्रा।